तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, क्रोमा टूल्स ऐप पर कुछ नए अपडेट आ चुके हैं। अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या अपडेट क्रोमा टूल्स में देखने को मिल रहे हैं, और आपको मैं बहुत कम समय में सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और मैं आपको डायरेक्ट क्रोमा टूल्स में ले जाके दिखाता हूँ क्या क्या उसमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन पर आ गया हूँ। मैं यहाँ पर आपको करेक्टर इंपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ स्पेशल करेक्टर आपको नए देखने को मिलने वाले, जो कि बहुत अच्छे करेक्टर यहाँ पर क्रोमा टूल्स ने नए करेक्टर यहाँ पर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर कैसे उनको इंपोर्ट करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से करेक्टर पर क्लिक किया, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ इंपोर्ट कस्टम पर। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर पंडित का मैंने करेक्टर यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले नहीं करता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कस्टम पर क्लिक किया, और यहाँ पर लोड का ऑप्शन है। इसके बाद में आपको यहाँ पर साइड में गेट करेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट जो है क्रोमा टूल्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको न्यू करेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर करेक्टर पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नए करेक्टर यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्क्रॉल किया, देखिए पंडित का करेक्टर आया हुआ है, और यहाँ पर ओल्ड मैन 2 का, और यहाँ पर नीचे साइड में ओल्ड लेडी 4 का करेक्टर आया है, और यहाँ पर ओल्ड लेडी 3 का आया है, और यहाँ पर देखिए मैन कुर्ता 2 का आया है। इस तरीके से यहाँ पर लेडी इन सारी ये भी करेक्टर यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इतने नए करेक्टर देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्पेशल करेक्टर हैं। अब आपको इन करेक्टर को यूज़ कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो है ये वाला करेक्टर यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही पंडित का की कोड ले रखा है। तो आपको मैं ये वाला यहाँ पर कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको इसका नेम को इस तरीके से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, इस तरीके से आपको मिनिमाइज कर लेना, और फिर से आपको यहाँ पर आ जाना है। और आने के बाद में आपको करेक्टर नेम की जगह इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने पेस्ट किया, ओके कर दिया, और आपको फिर से यहाँ से इस तरीके से इसको मिनिमाइज करना है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपको मिनिमाइज करना है, और यहाँ पर फिर से आ जाना है। और आने के बाद में इसका की कोड आपको इस तरीके से कुछ कॉपी करना, पूरा यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, इसको कॉपी करने के बाद में फिर से आपको मिनिमाइज कर लेना, और यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर इसके की कोड की जगह पर आपको पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पेस्ट किया, ओके कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव की कोड अगर आप करेंगे तो ये हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगा, आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको एक ही बार यूज करना तो आप सेव की कोड मत करना। तो यहाँ पर देखिए, मैं लोड पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लोड पर क्लिक किया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर करेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक करेक्टर ये आ चुका है, आपको साइड में दिख रहा होगा। इसके बाद मैं पंडित जी का करेक्टर इस तरीके से लोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको नेम की कोड अच्छे से डालना है, ताकि यहाँ पर करेक्टर कोई दिक्कत ना करे। अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। देखिए, यहाँ पर दोनों करेक्टर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर करेक्टर ये वर्क कर रहे हैं, और इनके पोज भी आप जो भी चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करेक्टर उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर मैं टॉकिंग वाला एनिमेशन इसको देकर आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से नीचे साइड में स्क्रॉल करके टॉक होल्डिंग प्रॉप 2 कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर करेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इसको प्लस करके फ्लिप कर देता हूँ इस साइड में। मैं यहाँ पर इसको भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसका भी यहाँ पर आपको जो है कुछ पोज दिखा दे, इसको फ्लाइंग करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर करेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर करेक्टर आए हैं। और आपको इंपोर्ट भी जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको इंपोर्ट कर लेना, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, और अपनी स्टोरी के लिए आप अच्छे से जो है काम कर सकते हैं इन नए करेक्टर के साथ में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को अगर आपने पहली बार विजिट किया तो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी आशा के साथ मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।